हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं सुपर टूल्स का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं रोज़ाना नए नए वीडियोस बनाता रहता हूँ। ये वीडियोस आपको हेल्प करते हैं अपना फ़ोन, टैबलेट या फीचर फ़ोन मैनेज करने में। तो मैं आज आपके लेकर आया हूँ मार्वल ड्राइवर वर्जन 6.4.0.2, जो कि मैंने डाउनलोड किया है firmwarecare.com वेबसाइट से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इस टूल का लिंक है, उसकी मदद से आप ये टूल या एक तरह से बोलिए कि ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ड्राइवर को मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं इसे फटाफट एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं जिप फाइल है जो, उसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ। तो हमारे सामने ड्राइवर एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। तो इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुल इतने सारे फाइल्स दिख रहे हैं। तो जो drvinstaller.exe है वो हमारे 32-bit कंप्यूटर के लिए होता है, और drvinstaller64-bit वो 64-bit जो कंप्यूटर के लिए होता है। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके कंप्यूटर में क्या कौन सा बिट है। तो उसके लिए आप जस्ट राइट क्लिक करके विंडोज़ आइकन पे सिस्टम पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो कितने बिट पे रन कर रहा है। तो जो मोस्टली आजकल जो चल रहा है विंडोज़ 10, तो लगभग सभी 64-bit पे ही यूज़ कर रहे हैं। पर कुछ यूज़र्स जो XP यूज़ करते हैं या विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, वो अभी भी 32-bit पे हैं। तो रही बात ये हमारी बिट की थी कि उसी हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि गलत ही हमने चूज़ किया। अभी फ़िलहाल में मैं जैसे विंडोज़ 10 पे हूँ और मेरा विंडोज़ 10 64-bit पे है। तो यहाँ पे जो 32-bit वाला फाइल है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये भी खुल गया, मतलब कि एक तरह से आपको पता ही होगा कि 64-bit दोनों को सपोर्ट करता है, जैसे 32-bit को भी सपोर्ट करेगा और 64-bit के लिए भी सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये ड्राइवर पैकेज खुल गया। अगर मेरा कंप्यूटर 64-bit पे ना होके 32-bit पे रहता और मैं यहाँ पे ये वाला फाइल ओपन करता, तो ये खुलता नहीं, क्योंकि ये 64-bit के लिए ही बनाया गया है। 64-bit पे जो कंप्यूटर होता है वो आसानी से 32-bit और 64-bit का फाइल चला सकता है। तो आज हम मार्वल ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है मार्वल के बारे में, ये मार्वल कॉमिक्स का नाम नहीं है, ये अलग है मार्वल से। तो एक ये मार्वल कंपनी जो है, ये चिप बनाने वाली कंपनी है, जैसे मीडियाटेक चिप बनाती है, क्वालकॉम चिप बनाती है, ब्रॉडकॉम चिप बनाती है, इंटेल भी चिप बनाती है, और आपका स्पेक्ट्रम भी चिप बनाती है, मीडियाटेक तो बनाती है, तो इसी तरह एक मार्वल कंपनी भी चिप बनाती है। तो जो ये चिप है वो आपके फ़ोन में या स्मार्टफोन में या फीचर फ़ोन में यूज़ होता है। तो उस सिचुएशन में आपको, जब आप अपना फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये ड्राइवर है हमारे सामने, ये हेल्प करेगा मार्वल का कोई भी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं विंडोज़ 10 पे हूँ, तो मैं यहाँ पे ये 64-bit वाला फाइल ओपन करता हूँ। तो हमारे सामने जो मार्वल का ड्राइवर है, ये खुल के आ गया है। तो कुछ इस तरह से इसका लुक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो बटन दिया गया है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो INF फाइल है मार्वल ड्राइवर का, वो कब रिलीज़ हुआ था और इस टूल का या कहें तो इस ड्राइवर का जो वर्ज़न है वो है 6.4.0.2। तो इस ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इंस्टॉल अपडेट पे आप क्लिक करिए यहाँ पे इस बटन पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कि आपको मुश्किल से 2-3 ही सेकेंड लगा होगा और ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ तो ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए कि आप महज करिए कि अगर अपने कंप्यूटर में से मार्वल का ड्राइवर आप हटाना चाहते हैं, तो उस केस में आप रिमूव बटन पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया है रिमूव पे, तो यहाँ पे रिमूव ड्राइवर फेल आ गया है। या तो ये ड्राइवर का इशू है या कंप्यूटर परमिशन नहीं दे रहा रिमूव करने के लिए। तो जो भी है,
तरीका यही है रिमूव करने का, बाकी का छोटा सा ड्राइवर है। और अगर आप मार्वल के डिवाइस ओनर्स हैं या इस्तेमाल करते हैं या रिपेयर करते हैं, तो ये ड्राइवर आपके लिए बड़ा यूज़फुल साबित हो सकता है। तो इस ड्राइवर को मैं अभी बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तरीका था कि आप सेटअप चला के कैसे आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक BRB फोल्डर भी है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे INF फाइल मिल रहा है जो कि एक ड्राइवर फाइल होता है। इसको मैन्युअली भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो INF फाइल पर राइट क्लिक करिए और इंस्टॉल पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, मतलब कि ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। तो ओके क्लिक करिए और अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आप मार्वल का कोई भी डिवाइस कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये एड्रेस कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो स्टार्ट बटन है वहाँ पे आप रन पे क्लिक करके या मतलब कि सर्च पे कहीं भी जाके आपको खोलना है डिवाइस मैनेजर अपने विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 में। आपको कैसे खोलना है विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 में डिवाइस मैनेजर, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आपके कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर खुल के आ जाएगा तो आपको कंप्यूटर नेम पे एक बार क्लिक करना है। ये नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये कंप्यूटर का जो नेम है ये मेरे कंप्यूटर का नेम है, तो आपका कंप्यूटर का जो नेम है वो डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आपको अपने कंप्यूटर के नाम पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद एक्शन पे जाना है, ऐड लेगेसी हार्डवेयर पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैनुअली सिलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट वाला ऑप्शन टिक करना है हमें, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट क्लिक करिए। अब हैव डिस्क पे यहाँ पे आपको जो लोकेशन हमने स्टार्टिंग में कॉपी किया था एड्रेस बार से, यहाँ पे अब मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद ओके क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो 64-bit कंप्यूटर के लिए नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ 32-bit कंप्यूटर के लिए बना गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंप्यूटर है विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 वो आज भी 64-bit पे ना चल के 32-bit पे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैन्युअली कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं XP और विंडोज़ 7 में। और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या 8 यूज़ कर रहे हैं तो आप INF फाइल पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे कर सकते हैं क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। इन तीनों में से सबसे आसान तरीका ये है कि आप सेटअप जस्ट ओपन करिए और ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।